हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में और हमारा आज का पहला चैप्टर जिससे हम शुरू करने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर तो स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग सबको पता है मुझे पता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सब लोगों का जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप सबको कॉन्सेप्ट पता है क्विक रिकैप हम लोग करते हैं कि क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं राइट सॉलिड लिक्विड और गैस आपको पता है कि सॉलिड किस तरह का होता है जैसे आइस आपका सॉलिड है राइट right? आपका फोन आपका लैपटॉप आप खुद आप का बॉडी जो है वो सॉलिड है राइट लिक्विड लिक्विड होता में है। बहुत सिंपल जितना भी एटमोसफियर मान लीजिए आपका गैसेज है तो वो गैस फेज में है तो ये तीनों चीज आपको सबको पता है कुछ ऐसे चीजें डिस्कस करते हैं जो शायद आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे शायद आपको थोड़ा कुछ और नया सीखने को मिले तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी है ना तो किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं दो तरह की पहला होता है इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी अब एक को समझते हैं इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी वो होता है जिसका कोई भी शेप या साइज पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड ना करे वो हो जाता है आपका इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है ना तो कोई भी आप प्रॉपर्टी ले लीजिए मान लीजिए उसका डेंसिटी है तो किसी चीज की डेंसिटी क्या उसके शेप या साइज पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी बिकॉज कैसा भी शेप का हो उसका डेंसिटी तो वही रहेगा है ना? मान लेते हैं एक और प्रॉपर्टी है कैसा भी आपका मान लीजिए आप शहद या हनी आप मान लीजिए कि एक मग आपके पास शहद है और आपके पास एक ड्रम शहद है दोनों तो का विस्कॉसिटी चेंज होगा क्या नहीं होगा क्वांटिटी पे डिपेंड किया नहीं डिपेंड किया तो उस तरह की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इंटरसिक प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टी होती है ना अब वो उस तरह की प्रॉपर्टीज देखते हैं जो एक्चुअली डिपेंड करती है जिसके शेप या साइज पे डिपेंड किया शेप पे देखिए मान लीजिए कोई आपके पास एक नाइफ है चाकू है उसका उसका शार्पनेस जो है उसको तो शेप पे डिपेंड करेगा है ना तो क्या हो गया शार्पनेस आपका प्रॉपर्टी हो गया ठीक है साइज साइज पे डिपेंड करता हुआ जो भी प्रॉपर्टी है मान लीजिए कि आ, आपके पास एक, एक ब्लॉक है ब्लॉक ऑफ वुड है मान लीजिए ठीक है तो ब्लॉक ऑफ वुड अगर छोटा हो तो उसका मास कम होगा और ब्लॉक ऑफ वुड का अगर ब्लॉक ऑफ वुड अगर बड़ा हो तो उसका मास ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि मास जो है आपका एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी हो गया है ना तो डिपेंड किया उसके साइज साइज पे शेप पे उस पर तो वो चीज उस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ठीक है अब देखते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें बोलते हैं कि होमोजीनियस है कोई भी चीज अगर होमोजीनियस है तो उसका मतलब क्या होता है तो टाइप्स ऑफ मैटर में होता है कि होमोजीनियस मैटर है होमोजीनियस मैटर समझने के लिए समझते हैं कि इसका वर्ड कहाँ से आ रहा है लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड से आता है होमो होमोस होमोस मतलब सेम तो ऐसा मैटर जिसका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है पूरे मैटर में अगर सेम हो जाता है तो उस तरह का मैटर जो होता है ना वो होमोजीनियस मैटर कहलाता है ठीक है तो अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेम हुई तो वो आपका हो गया होमोजीनियस जैसे कि ये स्टिक है मान लीजिए स्टिक का क्या है कि पूरा एक ही मटेरियल से मान लीजिए बना है तो इसका क्या हो गया कि हर प्रॉपर्टी डेंसिटी टाइप की जो, जो प्रॉपर्टी होंगी वो हर जगह पे सेम होंगी तो उसका क्या हो गया कि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी सेम थ्रू आउट तो ये पूरा क्या हो गया होमोजीनियस हो गया ये अगर मिक्सड मटेरियल का बना हुआ होता तो क्या होता नहीं होता अगर ये स्टिक लोहे का और वुड का अलग अलग बना हुआ होता तो ऐसा तो नहीं होता तो वो क्या हो जाता है वो हो जाता है उसमें क्या होता है कि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है तो मान लीजिए कि ये स्टिक दो भाग में कीजिए लेफ्ट हैंड वाला पार्ट मान लीजिए वुड का बना हुआ है राइट हैंड वाला पार्ट मान लीजिए लोहे का बना हुआ है तो इसका क्या होगा दोनों का जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी था वो तो चेंज हो गया और कैसा चेंज हुआ शार्प बाउंड्री में चेंज हुआ एकदम आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका वुड खत्म हुआ और यहाँ पे आपका लोहा शुरू हुआ तो उस तरह का जो मटेरियल आपका पूरा बना वो मटेरियल आपका क्या हो गया हाइट्रोजीनियस हो गया कि अलग अलग तरीके का उसमें है मैटर तो वो आपका हो गया हाइट्रोजीनियस अब देखिए वो भी जो भी होमोजीनियस पार्ट कोई भी सिस्टम का अगर होगा तो उस एक एक होमोजीनियस पार्ट को हम फेज कहते हैं तो मान लीजिए ये वाला जो स्टिक था इसमें दो अलग अलग ये पूरे में तो हैड्रोजीनियस था लेकिन एक एक जो पार्ट था ये मान लीजिए पूरा वुड वाला पार्ट है और ये वाला पूरा लोहे वाला पार्ट है ये अपने आप में तो होमोजीनियस था ना तो ये वाला जो लोहे वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे कि ये एक फेज था ये दूसरा फेज था वुड में मान लीजिए एक आपके पास एक जग है पानी का उसमें आपका लिक्विड वाटर भी है उसमें आपका आइस भी तैर रहा है और उसमें आपका थोड़ा वेपर भी है तो वो क्या हो गया वहां पे आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं आपको लिक्विड वाटर दिख रहा है सॉलिड वो दिख रहा है गैस में वो चीज दिख रहा है ठीक है तो ये सब चीज आपको अलग 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 दिख रहा है सब चीज़ की प्रॉपर्टी जो है पानी का जो प्रॉपर्टी होगा डेंसिटी वो अलग दिख रहा होगा और पानी का और सॉलिड में एक एक शार्प बाउंड्री होगा तो क्या होगा ये सब अलग अलग जो मटेरियल जो आपका आ रहा है ना वो आपका अलग अलग होमोजीनियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आ रहा है तो उसी चीज को हम बोल देंगे फेज तो बोल देंगे वो लिक्विड वाटर एक फेज है सॉलिड आइस एक फेज है है ना तो यही हो गया आपका फेज का डेफिनेशन ठीक है एक इंपॉर्टेंट है कि शार्प बाउंड्रीज होना चाहिए यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है कि होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि होमोजीनियस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्रॉपर्टी सेम होता है हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है होमोजीनियस प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो सकता है प्रॉपर्टी लेकिन आपका जो चेंज जो होगा ना ग्रेजुअल चेंज होगा एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए आपका एटमोसफियर है तो एटमोसफियर में जो आपका प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर है वॉल्यूम है कॉम्पोजिशन है डेंसिटी है अलग अलग जगह में अलग अलग है हर जगह तो सेम नहीं है ना ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टी है लेकिन क्या चेंज जो है वो क्या एकदम अब्रप्ट चेंज है एकदम शार्प कहीं पे बोल सकते हैं कि ये जो एयर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये प्रॉपर्टी और राइट हैंड साइड में ये नहीं बोल सकते एकदम डिफ्यूज है वो ग्रेजुअल चेंज है वो इतना शार्प कोई बाउंड्री है ही नहीं जिससे कि वो हैट्रोजीनियस बन पाए तो यहाँ भी इंटरेंसिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है बट ग्रेजुअल चेंज अगर हो तो हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस अगर शार्प बाउंड्री अगर हो तो बोल देंगे हाइड्रोजीनियस इसीलिए एटमोस्फियर में आपका इंटरेंसिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन सेंस वो ग्रेजुअल चेंज है ना इसीलिए उसको आप होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं ठीक है